अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, आज मैं बाज़ार से चिकन लेकर आ गई ज़्यादा, और सब्ज़ी भी कुछ ले आई सहरी के लिए। तो चले देखते हैं हम इसे क्या बनाते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप करने नहीं कीजिएगा। देखो, चाइनीज़ गाजर और शिमला मिर्च ली है चाइनीज़ बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। मैं जब भी चिकन लेकर आती हूँ तो इसमें ये करती हूँ कि सबसे पहले इसमें जो गोश होता है हड्डी के बगैर बोनलेस जो होता है वो मैं अलग से निकाल लेती हूँ, जैसे स्पैगेटी या मैक्रोनी बनाए या कुछ टिक्का बनाए तो उसके लिए मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ। बाकी जो हड्डी वाला गोश होता है उसको अलग कर देती हूँ। तो ये मैं सहरी के लिए सालन भी बना रही हूँ, साथ साथ मैं मैक्रोनी भी बना रही हूँ। तो मेरे दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, अफ्तारी की भी तैयारी और सहरी की भी सालन की तैयारी, क्योंकि हमारी गैस कम हो जाती है और मुझे सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता, स्लो हो जाती है तो कभी सालन नहीं बनता, कभी कुछ मसला हो जाता है। इसलिए मैं हर चीज़ एक साथ ही करने की कोशिश करती हूँ कि एक ही जब गैस सही आ रही हो तो सारे काम कर लूँ, जो कुछ पकाना हो सब बना लूँ। वैसे भी सहरी में गोश्त वगैरह अच्छा नहीं लगता, सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर सब्ज़ी को प्रेफर करते हैं कि सब्ज़ी खाई जाए। बाकी बच्चों को मैक्रोनी या चावल या बिरयानी वगैरह पसंद होती है, और रमज़ान में भी एक जैसी चीज़ें बना बना के बंदा थक जाता है, ऑयली चीज़ें खाने का भी दिल नहीं करता, बार बार समोसे पकौड़े बनाने का भी कभी दिल नहीं चाहता। तो मैं एक दिन पकोड़े बना लेती हूँ और एक दिन समोसे, दोनों चीज़ें। कभी ऐसा भी होता है कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही बना लेती हूँ, लेकिन कभी जब दिल भर जाता है और बच्चों का भी दिल नहीं करता और रोज़ चीज़ एक जैसी चीज़ बनाओ तो फिर वो बच भी जाती है, बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के ही चीज़ बनाती हूँ दूसरी। और कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ कि उससे गुजारा हो जाए। बाकी ये पकौड़े समोसे इससे वक्ती तौर पर तो गुजारा हो जाता है, लेकिन गज़ाइत नहीं मिलती। तो बस ये मैं सालन बना रही हूँ तुरई का सहरी के लिए। इसके अलावा मैं गोश्त भी ज़्यादा ले आई थी, ताकि आगे ईद आ रही है तो कढ़ाई शढ़ाई बनती है या बिरयानी वगैरह बनती है तो आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा चलो ज़्यादा गोश्त ले आऊँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या रोज़ाना पकोड़े समोसे बनाते हैं अपनी अफ्तारी में। हम तो भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थक जाते हैं रोज़ाना। और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि रमज़ान जो है वो खाने पीने के लिए तो नहीं आता, वो तो इबादत के लिए और अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होने के लिए आता है। तो इसलिए बस ऐसी ही चीज़ बनाई जाए कि इंसान को एनर्जी मिल जाए और बच्चे भी खुश हो जाएं। और बच्चों को तो चिकन बहुत पसंद होता है, वेजिटेबल्स तो बच्चे बहुत ही मुश्किल से खाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से मेरे बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को थोड़े से लालच देना शुरू कर देती हूँ कि तुम लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा, तो बच्चे खा लेते हैं। तो आजकल के बच्चों को भी बस लालच देनी पड़ती है, क्या करें समझ नहीं आता। आप लोग बताइएगा आप लोग के बच्चे क्या
आसानी से खा लेती हैं वेजिटेबल्स। ये मैक्रोनी में जो शिमला मिर्च और बंद गोभी वगैरह जो सब्ज़ियाँ डालते हैं तो ये मैं ही खा रही होती हूँ। बाकी मैं पकोड़े बना रही थी, इसमें मैंने हरी प्याज आलू के चिप्स की तरह मैंने काट दिए थे, पालक डाले हैं इसमें मैंने, और बाकी धनिया पुदीना हरी मिर्चें मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चे भी खाते हैं इसलिए फिर वो मुँह में आती है तो अच्छी नहीं लगती। तो इसमें मैंने नमक और पकौड़ा मिक्स जो मसाला होता है वो मैं ले ली थी, तो वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। बाकी चाट मसाला मैं इसमें डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा और हल्दी वगैरह, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बेसन के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी शामिल करती हूँ, इससे थोड़े से पकौड़े में क्रिस्पी आ जाती है, क्रिस्पी हो जाते हैं पकौड़े, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बेसन हमेशा कम डालती हूँ पकौड़े में, तो इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनते हैं। ज़्यादा बेसन अगर डालो तो वो मज़ा वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरीके से आता है। तो मेरा छोटे बर्तन में बनाने का मकसद यही होता है कि मेरे से कम पकोड़े का पेस्ट बने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँ वो बच जाए और फिर मैं अगले दिन उसको इस्तेमाल करूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ताज़ा बनाकर उसी टाइम उसको बना के ख़त्म कर लूँ, फिर अगले दिन नया बनाऊँ, क्योंकि वो बासी बासी से अच्छा नहीं लगता। तो जी हमारा सालन भी तैयार है और हमारी मैक्रोनी भी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।